हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन यार, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जो कि आज ही आप देख सकते हैं 14 मार्च 2022 को जारी किया गया है। और ये जो पब्लिक नोटिस है वो जेई और नीट दोनों एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो कि 22 में शामिल होने वाले हैं। अब इसमें बताया क्या गया है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो इसमें जो जेई की पहले एग्जाम डेट अनाउंस की गई थी, जेई मेन्स को लेकर सेशन 1 की, उन एग्जामिनेशंस डेट को रीशेड्यूल किया गया है। उन एग्जाम डेट को जो क्या किया गया है, वो रीशेड्यूल किया गया है। अब नीट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हम ये डिस्कस करेंगे कि इन रीशेड्यूलिंग डेट्स का क्या नीट के एग्जामिनेशन पर कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये नई डेट्स जो है वो क्या है। पहले जो जेई की एग्जाम डेट्स थी सेशन 1 की, वो थी 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अप्रैल। अब इनको इन डेट्स को जो है वो रिवाइज किया गया है, और अब ये जो डेट्स हैं वो रहने वाली है 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 29 अप्रैल। इसके अलावा 1 मई और 4 मई, ये 6 डेट्स जो है वो रहने वाली है। इन 6 डेट्स पर जो है वो जेई मेन के सेशन 1 के एग्जामिनेशन को जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। इंटीमेशन सिटीज जो है वो 1 अप्रैल में, 1st वीक ऑफ अप्रैल आ जाएगी, और आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो 2nd वीक ऑफ अप्रैल जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात अगर करें नीट की, तो नीट का मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने एग्जैक्ट बताया था कि नीट के चांसेस किस मंथ में होने के वो बनते हैं। तो वो जो हमारा मंथ आया था वो आया था जुलाई मंथ, और जुलाई की जो डेट्स आई थी वो आई थी 17, 24 और 31 जुलाई। ये 3 डेट्स में होने के चांसेस है, लेकिन ये तो पहले ही हो रहा है, तो इसका इफेक्ट नीट के एग्जामिनेशन पर कोई हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ये जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई में होते, फिर हमें इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता, लेकिन अभी ये अप्रैल मई तक खत्म हो जाएंगे, और मई के बाद 7th ऑफ मई से बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के टर्म 2 की एग्जाम डेट्स भी आ गई है, इसलिए इनको रिवाइज किया गया है। तो बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं और 30 मई तक बोर्ड भी जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो नीट के एग्जामिनेशन पर ज्यादा इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। आप बेफिक्र होकर अपने नीट एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो मेरी बताई गई डेट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग या फिर एनटीए की तरफ से कोई भी और अपडेट आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।